नमस्कार, मैं प्रिया। आज 23 अक्टूबर, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विभिन्न स्थानों का दौरा कर राष्ट्रपति दिल्ली के लिए हुए रवाना। बिहार में छठ को लेकर शुरू हुई तैयारी। पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक में स्पॉट नामांकन की शुरुआत होगी इस तारीख। बिहार के शरद सागर की मदद से केबीसी में पहुंचा कंटेस्टेंट बना करोड़पति। लालू यादव ने महंगाई की बढ़त पर दी बधाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर मिलेगी 3 लाख रुपए की मदद। बिहार सरकार प्रदूषण को लेकर लगातार एक्टिव है। बिहार सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी गाड़ियों की संख्या की बात कही है, तो वहीं अब प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 3 लाख रुपए देने की भी बात कही है। बता दें कि परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में ये कहा गया है कि 50% या अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ ऐसे प्रखंडों को मिलेगा जहां पर पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर के अलावा एक भी मोटर वाहन जांच केंद्र नहीं है, यानी कि योजना का लाभ प्रदूषण जांच केंद्र विहीन प्रखंडों को मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन देना अनिवार्य है। विभिन्न स्थानों का दौरा कर राष्ट्रपति दिल्ली के लिए हुए रवाना। बीते दिन अपने 3 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजधानी पटना के कई जगहों पर गए, जिसके तहत बिहार दौरे के समापन से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना के महावीर मंदिर पहुंचे और भगवान बजरंगबली जी के दर्शन किए, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आखिरी कार्यक्रम के तौर पर अपने परिवार के साथ पटना के खादी मॉल का भ्रमण किया। खादी मॉल में महामहिम राष्ट्रपति और उनके परिवार के भ्रमण का समय सिर्फ 15 मिनट का तय था, लेकिन उन्होंने आधे घंटे से ज्यादा वक्त खादी मॉल में बिताया, जहां राष्ट्रपति और उनके परिवार ने खादी मॉल में खरीदारी भी की, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे यश सिन्हा की। यश सिन्हा का जन्म आज ही के दिन साल 1977 को बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। यश सिन्हा एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता हैं, जिन्हें भाग्य विधाता में विमलेश की भूमिका के लिए जाना जाता है। वो प्ले टाइम क्रिएशन के 3 बहुरिया में भी दिखाई दिए थे, क्योंकि रोहित घीवाला ने आम्रपाली गुप्ता के साथ जोड़ी बनाई थी। हर घर कुछ कहता है में भी उनका रोल देखने को मिला था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यश सिन्हा ने फिल्म अपहरण में डेब्यू रोल करके बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। वहीं उन्होंने काजल, सबकी आंखों में बसी से अपने टीवी करियर की शुरुआत की थी। बिहार में छठ को लेकर शुरू हुई तैयारी। बिहार में दुर्गा पूजा के समापन के साथ ही छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसको लेकर ही बिहार सरकार ने अब सूबे के नदी घाटों और तालाबों के साफ सफाई की तैयारी का निर्देश जारी कर दिया है। इसको लेकर शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम का निर्माण भी करवा लिया गया है। बिहार सरकार के अनुसार छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए करीब 1400 नदी घाट और 3000 तालाबों को छठ से हफ्ते भर पहले तैयार कर लिया जाएगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही महापर्व को देखते हुए विभाग ने सभी नगर निकायों को दिवाली तक गंगा घाट तैयार कर लेने का निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं, स्थानीय तालाब और पोखरों को भी साफ सुथरा बनाने की बात कही गई है। इसको लेकर निकायों को घाटों के आसपास कचरा इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया गया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगा उपचुनाव। बिहार में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार शोरगुल देखने को मिल रहा है, जिसके तहत जदयू अपनी दोनों सीटों को बचाने के लिए लड़ रही है, तो वहीं विपक्षी दल बिहार की राजनीति की आबोहवा को बदलने के इरादे से मैदान में है। हालांकि इन सबके बीच चुनाव को लेकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने अपना बयान जारी किया है, साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव को निष्पक्ष करवाने की बात भी कही है। इसको लेकर बीते दिन ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर अर्धसैनिक बल की 8 कंपनियां बिहार पहुंच चुकी है। उन्हें एरिया डोमिनेशन के लिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय बलों के जवान चुनाव पूर्व अभियान में पुलिस के साथ शामिल होकर अभियान चला रहे हैं। कई जिलों में ठंड ने दी दस्तक, इन जिलों में आज भी है अलर्ट। बिहार के कई जिलों में हुई बारिश के बाद से मौसम में ठंड का एहसास होने लगा है। रात के समय और सुबह सुबह चादर के बिना रहना मुश्किल हो गया है। हालांकि ये ऐसा मौसम है जब आप चादर ले और पंखा ना चलाए तो गर्मी और पंखा चला दे तो ठंड का एहसास होने लगता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये ठंड की दस्तक है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी हिस्से पर स्थित चक्रवाती हवा शिफ्ट होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से पर एक्टिव हो गई है। इसका असर बिहार के उत्तरी पूर्वी और उत्तरी मध्य हिस्से पर दिखाई देगा, जिसके तहत बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया सहित 14 जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने वाला है। पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक में स्पॉट नामांकन की शुरुआत होगी इस तारीख से। अगर आप भी पटना यूनिवर्सिटी से स्नातक करना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है। पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक में स्पॉट नामांकन 26 से शुरू हो रहा है। इसको लेकर
बीते दिन से लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है। हालांकि ध्यान रहे, छात्रों के पास नामांकन कराने की आखिरी तारीख 26 से 30 अक्टूबर के बीच में तय की गई है। ध्यान रहे, इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन लिंक से एक स्लिप को डाउनलोड करना होगा और जिस दिन जिस कॉलेज की काउंसलिंग है उक्त तारीख पर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे के बीच कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। इंडियन ऑयल में निकली 1900 अप्रेंटिस की भर्ती। इंडियन ऑयल में अप्रेंटिसशिप की नौकरी का मौका मिला है। इसको लेकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मथुरा, पानीपत, हल्दिया, बरौनी और अन्य जगहों पर स्थित रिफाइनरी में अप्रेंटिस की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसके तहत ट्रेड अप्रेंटिस, अटेंडेंट ऑपरेटर, फिटर, बॉयलर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर और स्किल सर्टिफिकेट होल्डर और टेक्नीशियन अप्रेंटिस केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में कुल 1900 रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार iocrefrecruit.in पर जाकर 12 नवंबर 2021 की शाम 5 बजे तक अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। त्योहारों के लिए शुरू हुआ स्पेशल ट्रेन का परिचालन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छठ और दीपावली को लेकर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करवाया जा रहा है, क्योंकि त्योहारों में यात्रियों के आने की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि अब रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है और स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। सासाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते गया और नई दिल्ली के मध्य फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 01678 नई दिल्ली गया फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन सप्ताह में 2 दिन किया जाएगा। इसी तरह गाड़ी संख्या 01677 गया नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन 26 अक्टूबर से 11 नवंबर तक होने वाला है। इसके अलावा नई दिल्ली गया फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, गया नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी किया जाना है। सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के डमी एडमिट कार्ड हुए जारी। अगर आप भी अपने बच्चे का सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में भेज रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब अभ्यर्थी संबंधित विद्यालय प्रधान के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि secondary.biharboardonline.com पर 27 अक्टूबर तक उपलब्ध रहने वाला है। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र अधूरा है या परीक्षा फीस जमा नहीं कराई गई है, वो अभ्यर्थी भी 22 से 27 अक्टूबर तक अपना अधूरा आवेदन डाउनलोड कर त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा फीस जमा करा सकते हैं। बिहार के गया जिले के बराबर गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गुफा इतिहास के पन्नों में खास जगह रखता है। ये गुफा गया से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस गुफा तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर पैदल और 10 किलोमीटर रिक्शा या तांगा से चलना होगा। यह गुफा बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। ये बराबर और नागार्जुनी श्रृंखला के पहाड़ पर स्थित है। इस गुफा का निर्माण बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी के बीच सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ के द्वारा की गई है। इस गुफा उल्लेख E.M. फॉस्टर की किताब ए पैसेज टू इंडिया में भी किया गया है। इन गुफाओं में से 7 गुफाएं भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। अब बिहार की 5 लाख स्कूली छात्राएं कर सकेंगी आत्मरक्षा। बिहार की बेटियां जल्द ही सेल्फ डिफेंस से परिपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बिहार की लगभग 5,34,000 बेटियों को बिहार में कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको लेकर प्रदेश भर के 1,068 बालिका स्कूल का चयन कर लिया गया है। ज्ञात हो, इसके लिए प्रदेश भर के 534 ब्लॉक के 2-2 स्कूल में कराटे का प्रशिक्षण दिया जाना है। आपको बता दें, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूली छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण उनके स्कूल में ही दिया जाएगा। इसमें 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को शामिल किया गया है। अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यह 2 महीने तक चलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में भी स्कूली छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके बाद अब 4 साल के बाद फिर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। देश में लागू हो सकता है एक देश एक चावल योजना। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार देश के 40% घरों में बच्चों को मिलने वाला भोजन असंतुलित है। यही कारण है कि अब सरकार सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है, जिसके तहत बीते दिन केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कुपोषण की समस्या को लेकर अपना पक्ष रखा है। साथ ही ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने देश भर में एक देश एक चावल योजना लागू करने की बात कही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश में है कि एक देश एक चावल योजना हो और सरकारी राशन दुकान या जनरल स्टोर हर जगह पोषण युक्त चावल यानी फोर्टिफाइड चावल मिले। बिहार के शरद सागर की मदद से केबीसी में पहुंचा कंटेस्टेंट बना करोड़पति। बिहार के शरद सागर आए दिन केबीसी में नजर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अब तक कई लोगों को बड़े बड़े इनाम को जीतने में भी मदद की है। इसी बीच शरद सागर ने हाल ही में गेस्ट एक्सपर्ट के रूप में आकर मध्य प्रदेश के 19 वर्षीय साहिल अहिरवार को सीजन का 2रा करोड़पति बनाने का काम किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक्सपर्ट के रूप में बुलाया था। इसमें शरद सागर ने एक सवाल का जवाब देकर 19 वर्षीय साहिल को ये धनराशि जितवाई है। आपको यह भी बता दें कि साहिल छतरपुर जिले के निवासी हैं और स्नातक में 3रे वर्ष के छात्र हैं।
राजद ने दिया वीआईपी को झटका। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, जहां कब कौन किस दल में शामिल हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। वहीं नेताओं के आदान प्रदान का सिलसिला बिहार की राजनीति में जारी रहता है और मौका दस्तूर हो चुनाव का तो दल बदल की राजनीति तय है ही समझिए। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से बीते दिन देखने को मिला, जिसके तहत वीआईपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके तारापुर के रहने वाले गौतम बिंद ने राजद का दामन थाम लिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गौतम बिंद पहले बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं बीते दिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाई, जिससे वीआईपी को बड़ा झटका लगा। बिहार पहुंचते ही बरसे कन्हैया। बिहार विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पटना पहुंचे कन्हैया कुमार ने राजद पर सीधा हमला बोला है। आपको बता दें कि बिहार महागठबंधन में रार के बाद से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। कन्हैया ने राजद प्रवक्ता मनोज झा पर हमला बोलते हुए उन्हें लठैत बताया। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने बिना नाम लिए मनोज झा पर हमला बोला है। उन्होंने इशारों में कहा कि पढ़े लिखे लोग आज लठैत की भाषा बोल रहे हैं। सीना ठोक कर कहता हूं, पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर विपक्ष की ऐसी कौन सी पार्टी है जो भाजपा के साथ जा चुकी है। कन्हैया ने अपने भाषण में आगे बोलते हुए कहा कि बिहार में 40 लोकसभा सीट में से मात्र एक सीट विपक्ष ने जीता है, वो एक सीट भी कांग्रेस पार्टी ने जीता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट और अन्य विपक्षी दलों के स्ट्राइक रेट का आकलन करें। लालू यादव ने महंगाई की बढ़त पर दी बधाई। राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव आए दिन केंद्र और बिहार सरकार को लेकर सवाल उठाते रहे। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार का घेराव किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि टमाटर, कड़वा तेल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल और गैस की रिकॉर्ड तोड़ और कमर तोड़ कीमतें बढ़ने पर अब की बार महंगाई पर वार कहने, सुनने, बताने, दिखाने और विश्वास करने वालों को पुरजोर बधाई। हालांकि हम आपको बता दें कि अब की बार महंगाई पर वार ऐसा नारा है जो एक समय में भाजपा ने लगाया था। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा ने इस नारे को खूब लगाया था, लेकिन आज आलम उल्टा है। आज भाजपा के खिलाफ ही इन नारों का इस्तेमाल होने लगा है। पशुपति पारस ने मंत्रालय में लगाया झाड़ू। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस बीते दिन स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनते देखे गए, जिसके तहत उन्होंने झाड़ू थामकर मंत्रालय में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पशुपति पारस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को हकीकत में बदलने के लिए हम तत्पर हैं। स्वच्छ रहेगा भारत तो स्वस्थ रहेगा भारत की थीम पर हम काम कर रहे हैं, यह तो बस शुरुआत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह स्वच्छता अभियान सिर्फ मंत्रालय तक नहीं सीमित होगा, हम इसे अगले पड़ाव तक ले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की थी। बिहार में क्या खत्म हुआ महागठबंधन का करार। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर दो धरों में बटी महागठबंधन अब टूट की कगार पर आ गई है। हालांकि अभी टूट को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस हवा को जरूर बल इसलिए मिला क्योंकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरणदास ने कहा कि बिहार में अब महागठबंधन टूट गया है, जिससे बिहार में सियासी समीकरण तेजी से बदलता नजर आ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस को बीते दिन जाप का भी समर्थन मिला, जिसके तहत जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत भक्त चरणदास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से मुलाकात के बाद जाप सुप्रीमो यादव ने कहा कि कांग्रेस जहां कहीं भी उम्मीदवार देगी उनकी पार्टी उनका समर्थन करेगी। अजीत अगरकर ने चुनी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का प्लेइंग 11 कैसा होना चाहिए, इसको लेकर अजीत अगरकर ने अपनी राय दे दी है, जिसमें अजीत अगरकर इस मैच के लिए भारत का प्लेइंग 11 बता रहे हैं। अगरकर ने इन प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों की लिस्ट में हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, आर अश्विन, ईशान किशन को जगह नहीं दी है। वहीं पारी का आगाज रोहित शर्मा और केएल राहुल से कराया है। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा को ऑलराउंडर के तौर पर चुना है, जबकि तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी उनकी लिस्ट में मौजूद है। इसके साथ उन्होंने स्पिनर के तौर पर अगरकर ने राहुल चाहर और वरुण चक्रवर्ती को अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में 1764 को पराजित हुए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की सिंगापुर में स्थापना की थी। भारत और बुल्गारिया ने प्रत्यर्पण संधि पर 2003 में हस्ताक्षर किया था। नया कंपनी विधेयक 2008 को लोकसभा में पेश हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान स्वतंत्रता सेनानी और कर्नाटक की वीरांगना रानी चेन्नम्मा का जन्म 1778 में हुआ। एक भारतीय उद्योगपति, समाज सेवी और भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का जन्म 1957 में आज ही के दिन हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सूबेदार जोगिंदर सिंह का निधन 1962 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी नेली सेन गुप्ता का निधन 1973 में आज ही के दिन हुआ था।
रणवीर दीपिका आईपीएल की नई टीम के लिए लगा सकते हैं बोली। बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों में शामिल रणवीर और दीपिका आज टॉप अभिनेताओं में गिने जाते हैं, जिसकी वजह से ये आए दिन इनकी चर्चा भी होती रहती है। हालांकि इन सबके बीच रणवीर और दीपिका एक बार फिर से चर्चा का पात्र बन गए हैं, लेकिन इस बार चर्चा में आने की वजह कोई फिल्म नहीं है बल्कि आईपीएल में एंट्री है। जी हाँ, आपने सही सुना, आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने आगामी सीजन के लिए दो नई टीमों के अधिकार हासिल करने के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। दीपिका और रणवीर की बोली लगाने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रही है, जिसको लेकर ही कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने ट्विटर पर लिखा कि रणवीर के स्वामित्व वाली टीम की जर्सी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि वो अपनी ड्रेसिंग के लिए मशहूर है। व्हाट्सएप पर आसानी से भेज सकेंगे हाई क्वालिटी फोटो वीडियो। व्हाट्सएप से मिलने वाला वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर इसे और खास बना देता है। व्हाट्सएप यूज करने वाले एक्सपीरियंस तब और बेहतर हो जाते हैं जब हम इसके कुछ सीक्रेट ट्रिक जान जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही जबरदस्त सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप पर हाई रेजोल्यूशन वाले फोटो वीडियो सेंड कर सकेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो व्हाट्सएप आजकल एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिसमें यूजर को फोटो वीडियो सेंड करने से पहले उसकी क्वालिटी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। फीचर के आने के बाद यूजर को कंप्रेस्ड फाइल के लिए डेटा सेवर सबसे अच्छी क्वालिटी के लिए बेस्ट क्वालिटी और इंटरनेट स्पीड के अनुसार क्वालिटी सिलेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलेगा। सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव? अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,770 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,010 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 110.55 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 102.31 रुपए प्रति लीटर था। बिहार में मिले कोरोना के 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 29 हो गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो कटिहार में 1, पटना में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बाकी के जिलों में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,38,066 सैंपल की जाँच की गई, वहीं कुल मिलाकर 3 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता यादव, गौतम कुमार, रविंद्र पासवान, खान सर यूपीएससी, उज्जवल कुमार, संगीता कुमारी, टुनटुन यादव, आशीष कांत, कविता कुमार, राकेश शर्मा, अशोक राम, मनीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पप्पू यादव का कांग्रेस को समर्थन करने से आगामी उपचुनाव के परिणाम पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।